दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू चेक थ्री फेस इंडक्शन मोटर, यानी हमारी जो मोटर है खराब तो नहीं है कहीं, चेक करना सीखना है। दोस्तों आपको यहाँ पे पैनल दिख रहा है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर कनेक्शन का पैनल है। ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर का पैनल कनेक्शन है। पहला जो हमारा टेस्ट है बॉडी अर्थ टेस्ट, यानी जो हमारी मशीन की यानी मोटर की जो बॉडी होती है और बाइंडिंग कहीं हमारे बॉडी से तो टच नहीं हो गई, यानी जो हमारी बाइंडिंग होती है बॉडी से टच हो जाएगी तो हमारा मोटर ज्यादा लोड खींचने लगेगा और हीट होकर जल सकता है। उसके लिए टेस्टिंग करने के लिए हम लोग करेंगे। फिर दूसरा नंबर आता है बाइंडिंग ओपन टेस्ट, यानी जो हमारी बाइंडिंग होती है कहीं बीच से ओपन तो नहीं हो गई, यानी खुल तो नहीं गई, करंट पास नहीं होगा जिसके कारण हमारा मोटर चलेगा नहीं। तीसरा नंबर है रेजिस्टेंस टेस्ट। जो हमारी कॉयल है, तीन कॉयल होती है, थ्री फेस की मोटर है, इसमें से तीन कॉयल अंदर डाली जाती है मोटरों में, उसका हमें प्रतिरोध एक जांच करना है। यानी तीनों टेस्ट आपको सिखाएंगे कैसे टेस्ट किया जाता है हमारे मोटर के पैनल से। दोस्तों जैसे हमारा ये मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को पहले हमें रीडिंग के लिए यहाँ पे बजर पे ला लेना है। फिर इसके बाद इस मल्टीमीटर के अपने मल्टीमीटर को पहले चेक करेंगे, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे, बीप की आवाज़ देता है, हमारा मल्टीमीटर सही है, यानी हमारा मल्टीमीटर सही है। अब हमें बॉडी अर्थिंग टेस्ट करने के लिए, जैसे हमारा ये टर्मिनल है, यानी मोटर का ऐसे कर देता है, आपको दिखेगा। बॉडी अर्थ करने के लिए कोई भी एक पॉइंट में टर्मिनल पे हम अपने एक निब को, एक पॉइंट को टच करेंगे, उसके बाद मोटर के बॉडी पे टच करेंगे। यदि हमारी बाइंडिंग शॉर्ट रहेगी बाइंडिंग, उसे ऐसे करना है, एक टर्मिनल को हमें, एक पॉइंटर को बॉडी पे रखना है, दूसरे को हमें पॉइंटर पे घुमाना है। यदि कोई भी हमारी कॉयल बॉडी से टच रहेगी तो हमारा मल्टीमीटर सायरन की आवाज़ देगा, यानी बीप की आवाज़ देता है। तो इस तरह से बॉडी अर्थिंग करेंगे। तो कि बॉडी से तो टच नहीं है, अर्थिंग ऐसे चेक करते हैं, हमें कॉयल में फंसाना है। यदि हमारी अर्थ है तो इस तरह के हमारे मल्टीमीटर में कुछ नंबर्स आएंगे, 000 आ जाता है इस तरह के, और हमारा मल्टीमीटर बीप की आवाज़ देता है। अब हम चेक करेंगे, छः पॉइंट दिए गए हैं, छः वो पॉइंटों में चेक करेंगे कि हमारा कोई मल्टीमीटर, वो हमारी कोई बाइंडिंग मोटर के बॉडी से तो टच नहीं है। ये देखिए, ये वाली भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी जो तीन टर्मिनल ऊपर के थे तो बॉडी अर्थ नहीं है। इसी तरह ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी हमारी मोटर की बाइंडिंग कॉयल अच्छी है, अभी कोई भी अर्थिंग नहीं ली है। इस तरह के कंप्लीट आप लोग भी चेक कर सकते हो। दूसरा नंबर टेस्ट है हमारा बाइंडिंग ओपन टेस्ट। जो हमारी बाइंडिंग है, बाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट इसको बोलते हैं, टेस्ट करेंगे कि हमारी बाइंडिंग कहीं से ओपन तो नहीं हो गई, यानी खुल तो नहीं गई। आज इसको भी सीख लेंगे बाइंडिंग ओपन टेस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों जैसे हमारा दो टर्मिनल आपको दिख रहा है, एक दो तीन, यहाँ इनकमिंग पे, एक दो तीन आउटकमिंग पे, हमारे जो कॉयल होती है बाइंडिंग के दो सिरे निकलते हैं, एक जहां से हम बाइंडिंग करना चालू करते हैं और दूसरा जहां से हम बाइंडिंग बंद करते हैं। तो एक कनेक्शन को हम यहाँ जोड़ देंगे, दूसरे को हम यहाँ कहीं जोड़ देते हैं, सभी का अलग अलग होता है। जैसे हमारा W1 है, तो एक पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे, दूसरे को यहाँ रखेंगे। यदि हमारा सायरन बजता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे इस बाइंडिंग का इनकमिंग यहाँ है, आउटपुट यहाँ है। ऐसे ऐसे करके चेक करेंगे, जिसी में मिल जाएगा। जैसे हमारा W1 यहाँ है तो W2 यहाँ मिलेगा, V1 यहाँ है तो V2 यहाँ मिलेगा, E1 यहाँ है तो U2 यहाँ मिलेगा। इस तरह के हमारे बाइंडिंग ओपन टेस्ट करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बाइंडिंग ओपन टेस्ट कैसे करते हैं। मल्टीमीटर, अब हमें यह पता करना है कि जो हमारी इनकमिंग टर्मिनल की थी तो आउटपुट कौन कौन से टर्मिनल पे कनेक्ट है बाइंडिंग का। मैं बताया था बाइंडिंग के कनेक्शन एक तरफ से जोड़ते हैं, जो दूसरा सिरा निकलता है तो दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यही पता चलेगा, जैसे मैं एक टर्मिनल पे इधर कनेक्ट कर लिया और इधर टच करूंगा, यदि इसमें से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा, यानी हमारी ये बाइंडिंग ये नहीं है इस पॉइंट की, यदि ये करिए, हाँ इस वाले टर्मिनल का ये वाली बाइंडिंग है, यानी ये वाले जो कॉयल लगाए हैं तो इनपुट और आउटपुट जाके यहाँ पे टच कर दिए, यानी कॉयल में, पॉइंटर में फंसा दिया गया है, और इसमें नहीं है, तो इस वाले टर्मिनल का ये वाला हमारा कॉयल है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर करने के लिए हमें इस टर्मिनल पर टच किए और इससे किए, हाँ ये देखिए इसमें सिग्नल बता रहा है, यानी इस वाले का टर्मिनल पॉइंट ये हमारा नंबर है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर के लिए हम देखेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इसमें सिग्नल दे रहा है, यानी हमारा थर्ड वाली कॉयल का ये पॉइंट है। तो इस तरह से अपनी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि हमारे जो कॉयल है, कॉयल का कौन सा टर्मिनल किससे संबंधित है, किससे कनेक्ट है। तो अपन ऐसे टेस्ट टेस्ट करते हैं। ये देखिए सिग्नल,
बीप की आवाज़ दे रहा है, तो हमारी टर्मिनल, इसका टर्मिनल ये है और इसका टर्मिनल ये है और इसका टर्मिनल ये है। तो अपन को सबको मालूम हो गया, जो बाइंडिंग का दो सिरा निकलता है, इधर से जो बाइंडिंग कॉइल फंसा देते हैं, तो एक बाइंडिंग इधर से फंसाते हुए जब दूसरा निकलता है तो इधर फंसा देते हैं। तो इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, यानी कंप्लीट इस तरह के होते हैं। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले पॉइंटर पे आना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है रेजिस्टेंस में। फिर उसके बाद जैसे हमारे एक बाइंडिंग डब्ल्यू एन है, तो उसी बाइंडिंग का डब्ल्यू टू में यानी इनकमिंग पे आउटपुट है। बाइंडिंग जो होती है जहाँ से चालू करते हैं, तो एक टर्मिनल वहाँ से चालू होता है, दूसरा टर्मिनल जहाँ पे खत्म होता है। जैसे इस वाले बाइंडिंग का यहाँ से टर्मिनल चालू हुआ और हमारे दूसरा टर्मिनल जहाँ से निकला था यहाँ पे खत्म हुआ। तो डब्ल्यू एन और डब्ल्यू टू के बीच चेक करेंगे जब हम रेजिस्टेंस, तो हमारा मल्टीमीटर एक कॉइल का रेजिस्टेंस बताएगा कि उस कॉइल का प्रतिरोध कितना है। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं तीनों कॉइल का सेम होने चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यानी ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। उसी तरह वी वन और वी टू के बीच चेक कर लेंगे, उसी तरह यू वन पॉइंट और ई टू के दोनों पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको दिखा देते हैं रेजिस्टेंस चेक कैसे करते हैं, चलिए आपको लाइव दिखा देते हैं। यदि कॉयल का मुझे रेजिस्टेंस पता करना है कि इस मोटर के कॉयल का रेजिस्टेंस कितना है, तो सबसे पहले हमारा ऑफ है। ऑफ में होने के बाद हम अपने पॉइंटर को किलो में यानी जहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कॉयल के बाइंडिंग में फंसाएंगे। देखिए उस बार जो हमारा कंटिन्यूटी मिली थी, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच मिली थी। इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है 15 ओम 8 पॉइंट आ रहा है, इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का। ये देखिए 15 पॉइंट 15 ओम 9 पॉइंट तक आ रहा है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, इसका टर्मिनल ये देखिए ये है, ये टर्मिनल ये है, 14.4 आ रहा है। अब इस वाले का देख लेते हैं रेजिस्टेंस, इस वाले का रेजिस्टेंस 16 है, यानी 15 14 16। इसका 15 ओम बता रहा था, 15 यानी 16 कुछ, ये देखिए 15 9 यानी 16, ये 16 तक चला जा रहा है। इस वाले का जा रहा था, इस वाले का जा रहा है 14.4 और इस वाले का जा रहा है 15.9। 14 15 के आसपास हमारे तीनों कॉइलों का रेजिस्टेंस है। हमें रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर की नेप को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है और पॉइंट में फंसा करके सेकेंडरी बाइंडिंग में फंसा के और रेजिस्टेंस बाइंडिंग का एक जांच कर सकते हैं। सबको मालूम हो गया होगा हमारे जो कॉयल होती है, पहले जो ऑफ होता है, यदि हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले बाइंडिंग फंसाएंगे, यदि बीप की आवाज़ देता है तो पता चल जाती है कौन सा हमारा कॉयल है। ये देखिए इसमें कॉयल नहीं दे रहा, बीप की आवाज़ इसमें नहीं आ रही, मगर इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। फाइनली आप लोग देख लिए होंगे बॉडी अर्थ टेस्ट कैसे करते हैं, बाइंडिंग टेस्ट कैसे करते हैं, यानी बाइंडिंग ओपन है या क्लोज है, बाइंडिंग हमारी कहीं ब्रेक तो नहीं हो गई, रेजिस्टेंस टेस्ट, यानी जो हमारा मोटर होता है, मोटर को हम तीन तरह से चेक करते हैं, बॉडी अर्थ, बाइंडिंग अर्थ और रेजिस्टेंस अर्थ। तीनों हमारे बाइंडिंग के अंदर ही चेक किए जाते हैं। तो आप लोग सीख लेंगे होंगे कि बॉडी अर्थ कैसे चेक करते हैं, बाइंडिंग ओपन टेस्ट कैसे करते हैं, यानी कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस। कंटिन्यूटी इसी को बोलते हैं कि कोई भी हमारी बाइंडिंग बीच में ब्रेक हो जाती है तो हमारा मल्टीमीटर टर्मिनल नहीं बताता। जैसे हम मल्टीमीटर पे यहाँ से यहाँ करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर टर्मिनल को नहीं बताएगा, और जैसे हमारा ये कॉयल यहाँ पे शॉर्ट रहेगी यानी कंटिन्यूटी बराबर रहेगी, हमारा मल्टीमीटर बीप की आवाज़ देता है, यानी उसको पता हो जाएगा कि हमारी कॉयल कहीं से ब्रेक नहीं, टूटी नहीं है। तो इस तरह से हमारे चेक करते हैं तीन टेस्ट मोटर के।